तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सिद्धनाथ ददरी के लिए, जो कि यहाँ से अभी 5-6 किमी की दूरी पे है। और हम लोग आप चुनार से आ सकते हैं, जो कि रोड है, यहाँ से 20 किमी की दूरी पे सिद्धनाथ की दरी। और ये जो आपको पानी दिख रहा है बह रहा है, ये सिद्धनाथ की दरी जो कि वाटरफॉल है, तो वहाँ से होकर के आ रहा है पानी। और यहाँ का व्यू तो अभी आप लोग मेरे पीछे की ये पहाड़ देख रहे होंगे, जो कि आप सिद्धनाथ की दरी आने लगेंगे तो आपको सारे रास्ते ये पहाड़ पहाड़ ही दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और सिद्धनाथ दरी का भी प्लेस काफ़ी खूबसूरत है। सुकून और शांति, शोरगुल से दूर छत्तीसगढ़ का आश्रम, जो कि चुनार से 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 300 लोगों तक का भोजन प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पे कोई भी बाहरी आ जाता है तो उसे भी शरणार्थी के रूप में यहाँ जगह दी जाती है। और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 से 1.5 हज़ार लोग, क्योंकि कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। ये सब्जियाँ देख रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे मोबाइल ले जाना मना है अंदर, तो आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो हम लोगों ने मोबाइल यहीं पे रख के गए, और फिर वहाँ पे सद्गुरु महाराज जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ के सब कुछ देखा। फिर आप भी आइए, अच्छा प्लेस है, और सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं सिद्धनाथ की दरी, जो कि यहाँ से 5-6 किमी की दूरी पे है, तो चलते हैं सिद्धनाथ की दरी। तो हम आ चुके हैं सिद्धनाथ की दरी में। आपको ये जो वाटरफॉल दिख रहा है, ये वहाँ से वो जो दूर से आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा वाटरफॉल, वहाँ से आ रहा है। और यहाँ का व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत व्यू है, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले ही आ गया। और अभी तो वहाँ पे हम लोगों को जाना है, जो वो दिख रहा है आगे। हम लोग आ चुके हैं सिद्धनाथ की दरी में, और ये है सिद्धनाथ की दरी, जो कि चल रहे हैं अब यहाँ से हम लोग। ये मार्केट है कुछ, जैसे आप लोग टॉफी बिस्किट कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, कोई कैमरा कर रहा है, कोई गाना ही गा रहा है, कोई सुन रहा है, तो कोई यहाँ पे अपनी ही धुन में बांसुरी बजाने में मगन है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सिद्धनाथ की दरी में। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, सिद्धनाथ की दरी में हूँ। और सिद्धनाथ की दरी और बंदरों का आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं।